श्रद्धेय प्रेरणा के स्रोत आचार्य ईश्वरानंद जी, आचार्य कृष्णदेव जी, सभी उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति। वैसे मैं आचार्य जी से पहले से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हर बार उनकी शिविर ऑनलाइन हो या तो मूल रूप पे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं नई चीज़ मुझे जानने को मिलती है। आज सुबह की बात करूँ तो स्वामी सत्यपति जी महाराज की शिविर मैंने रखी थी 3 दिन की, तो उसमें उन्होंने यजामहे मंत्र के ऊपर पता नहीं 3 दिन तक उन्होंने जो वक्तव्य दिया, और उसके बाद आज मैंने जो ये प्रातःकालीन मंत्र में जो हवामहे, तो हवामहे मंत्र के बारे में जो आचार्य जी ने कई बातें बताई, कल शाम को जो हम ध्यान की कक्षा में जो ईश्वर की कृति के बारे में, तो हम क्या कहते हैं, सूर्य है, चंद्र है, पहाड़ है, नदियाँ है, लेकिन उन्होंने जो वहीं पर पक्षी जो उड़ रहे थे और उन्होंने कहा कि ये हवाई जहाज उड़ रहा है, फिर ये हेलीकॉप्टर मच्छर के बारे में बताया, तो पता चला कि हम कैसे ईश्वर की कृति को देखकर अपने आप को इसके अंदर श्रद्धा रख सकते हैं। ये जो ईश्वर परिधान जो कहते हैं ना, कई नई चीज़ें। एक छोटी सी बात का एग्जाम्पल देकर मैं विराम कर रहा हूँ। बंधन रिसोर्ट में मैं था, तो उसके मैनेजर से मैंने कहा कि भाई साहब, आप इतना बड़ा रिसोर्ट है और हम सबको ये गर्म पानी के लिए इधर उधर करना पड़ता है, तो आप, तो उन्होंने कहा, भाई साहब, मुझे कहा कि भाई साहब, ये आचार्य ईश्वरानंद जी का मैंने जो व्यवहार देखा ना, तो ये जो मेरा रेंट है ना, वो मैंने 50% कम कर दिया है। ये उनका वर्ड। फिर मैंने कहा, भाई साहब छोड़ो, हम व्यवस्था कर लेंगे, हम केरबा ले जाएंगे, जो भी करेंगे, क्योंकि बात सही है उनकी कि भाई आपके हिसाब से। अरे आस्त, अरे बाबा, कोई बात नहीं, आराम से आराम बैठे रहो, बैठे दो, थोड़ी देर बैठने दो उसको, चेयर टू गई, दो रखनी चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा बैठने दो, थोड़ी देर बैठे दो। हाँ, पानी और इतना हाइट नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ी देर पर आप खड़ी होके भी देख लेना, है ना, आराम से। या तो आप लेटना चाहते हो, लेट भी सकते हो बहन जी, ठीक है। ठीक है, भोजन के लिए और जो भी ये आश्रम में जो व्यवस्था की है, तो उसके लिए तो हम उनके लिए, उनका जितना भी धन्यवाद कहे वो कम है, लेकिन अपना आश्रम जब बन जाएगा, ध्यान कुंज आश्रम, तब उसकी कोई मजा और होगी, क्योंकि वहाँ अपने आप अपनी तरह से हम जो भी करना चाहते वो कर सकते हैं। यहाँ बड़ी छोटी छोटी बातें मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये सब आयोजन करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं तो आचार्य जी को कहता हूँ कि आपका लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और परमात्मा आपको बस ऐसी शक्ति देते रहे, और आप हमको इतना अच्छा अच्छा ये जो है ना, ये सहस्त्र में कई सालों से सहस्त्र बोल रहा था, ये सहस्त्र उन्होंने सिखा दिया, इसमें जो व्याकरण की बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें, कई बातें सीखने को नई नई मिलती है हर बार। यदंग दासु से तुमग्ने भद्रम करिष्यसि, जो आज मंत्र था, तो मैं तो वो आत्मा का, मैंने सोच रहा था कि आत्मा का दे दो, आत्मा कैसे देंगे हम, कैसे हम ईश्वर समर्पण करेंगे। आज सब ने, आपने भी सुना होगा, तो मैं आचार्य जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।